हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम इतिहास का जनवरी 2017 में जो पेपर आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इतिहास का, चूंकि पहले दो पेपर हुआ करते थे इतिहास के, तो ये फर्स्ट पेपर है। इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पर नीचे दिए गए कूट में से उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले सामान्यतः लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं। दूसरा है बागौर, लंगनाज और लंगनाज तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। तीसरा है जंगली तथा पशु पालतू पशु की हड्डियाँ पाई गई हैं। तीसरा, इस काल में शैल चित्र उपलब्ध थे। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है वो सारे क्वेश्चन ही सही होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राख के टीले के लिए नहीं जाना जाता है? तो बुर्ज होम जो है वो नहीं जाना जाता। और राख के टीले के लिए कौन कौन जाने जाते हैं? उतनूर, पालवाय, कुपगल, ये तीनों जो हैं राख के टीले के लिए जाने जाते हैं। ये वाला नहीं तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो युग में सुमेलित नहीं है वो पांचाल की जो राजधानी वो मथुरा नहीं थी, जो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। मत्स्य की बैराट, कौशल की श्रीवस्ती, मगध की ग्रीवज, ये सारे सही हैं। अगला, फिर से सूचियाँ मिलानी हैं। तो सबसे पहले दिया है योग के जो थे वो पतंजलि थे। मीमांसा जो हैं वो कुमारिल है, यानी कि तीसरा। सांख्य जो हैं वो हैं कपिल, पहला ऑप्शन। और वैशेषिक जो हैं वो कणाद हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा 2 3 1 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 3 1 4, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंठक शोधन से संबंधित था? तो ये न्यायपालिका से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो भाग है वो सुमेलित नहीं है, स्थानीय कर जो बता रखा है, ये वाला जो है ऑप्शन वो यहाँ पर सही नहीं होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का एक भाग है? तो बौद्ध स्थापत्य कला का जो भाग है वो है अंतराल। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है, अंतराल जो है वो बौद्ध स्थल स्थापत्य कला का भाग नहीं है, तो ये वाला नहीं है। बाकी अंड छत्र मेधी जो है वो सारे बौद्ध स्थापत्य से संबंधित हैं। अगला देखते हैं, कुषाण काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछना है। तो सबसे पहले बताया, बड़े पैमाने पर चांदी के सिक्कों को जारी किया गया जाना, गांधार कला का फलना फूलना, अमर सिंह का संरक्षण, बंगाल तक साम्राज्य का विस्तार। तो इस हिसाब से हमारा जो बी ऑप्शन है, गांधार कला का फलना फूलना, ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो वो ये है, कलिंग का शासक था, वो है स्वयं को महामेध वाहन कहता था, उसने जैन आचार्यों के सम्मेलन का आयोजन किया, उसने मूल रूप से एक नंद राजा द्वारा खुदवाई गई नहर को नगर तक आगे बढ़ाया। तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। और कलिंग का राजा था, ये वाला सही नहीं है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दिया है? कोलची कमर
और पोद्दुक दक्षिण भारतीय पत्तन थे, ये सही है। हाथी दांत का उत्पादन दोसारने में किया जाता था, ये भी सही है। तीसरा जो है, कोलंडिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रैश की ओर रवाना होते थे, ये भी सही है। मुसालिया मुजीरिस के दक्षिण में थे, ये जो है ये वाला गलत है, बाकी तीनों जो है वो सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर फिर से लेखक और पुस्तक का शीर्षक दिया है, तो यहाँ पर दिया है दंडिन। दंडिन का जो है दश कुमार चरित, दश कुमार चरित। भास का है प्रतिमा नाटक। हेमाद्रि का है चतुर्वर्ग चिंतामणि। और भवभूति का है उत्तर उत्तर रामचरित। तो इस हिसाब से जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और आर, देखना है कि व्याख्या सही है और कौन सा सही है और गलत है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, तो ये जो है वो एकदम सही है। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है, तो ये वाला जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से ए सही है और आर जो है उसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा और गलत भी है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित खगोलविदों को सही कालानुक्रम में रखिए। तो यहाँ पर जो सही कालानुक्रम है वो सबसे पहले लगध आएंगे, लगध के बाद हैं आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के बाद हैं बाहरमिहिर, बाहरमिहिर के बाद ब्रह्मगुप्त आएंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, नरसिंह वर्मन प्रथम, यहाँ पर फिर से कूट दिए हैं, दो सूचियाँ दी हैं उनका मिलान करना है। नरसिंह वर्मन प्रथम, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन का जो है दूसरा बापाती कोंडा नरसिंह प्रथम की जो थी वो उपाधि थी। अगला है कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम का है शुंग मत वीरत, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। और नंदीवर वर्मन थर्ड जो हैं उनका हो जाएगा तिल्लारिंद। और पुलकेशन द्वितीय का है सत्याश्रय। तो इस हिसाब से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण भारतीय वाणिज्यिक सामुद्रिक संगठन नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, दक्षिण भारतीय वाणिज्यिक समुद्री संगठन, तो अंजुवर्णम ये भी है, मणिग्रणम ये भी है, एनुरूवर ये भी, महाजन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सही ऑप्शन डी महाजन हो जाएगा। अगला है, श्री विजय राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सही है कथन बताना है, तो यहाँ पर नीचे कूड़ दिए गए हैं, तो एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं कौन कौन से दिए। पाल वंश के देवपाल ने बाल पुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए। चोल वंश के राज राज प्रथम के श्री विजय राज के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ से मित्रतापूर्ण थे, परंतु बाद में उनमें शत्रुता हो गई, तो ये भी सही। अगला है, मार विजयो वर्तुंग वर्मन ने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, ग्रंथ ए और दो सूची दी है उसमें मिलान करना है। ताज उल मारिस जो है वो है हसन निजामी की, ताज उल मारिस। अगला है, तारीख ए मुबारक शाही, जो तारीख ए मुबारक शाही है यहया बिन सरहिंदी है। मसालिक उल अबरास फी मुमालिक अल अमराज जो हैं वो शिहाबुद्दीन अल उमर हैं। सुब उल आशा जो हैं वो एक रह जाता है, वो उसका ऑप्शन हो जाता है अल काशकंदी। तो इस हिसाब से बहुत ही कठिन जो बुक्स हैं वो पूछी जाती हैं, तो हमें
इन सबको याद रखना है, या फिर हम एक बार अगर हम इनको आंखों से आंखों के सामने से निकाल लेंगे तो हमारा निश्चित रूप से ये वाले प्रश्न जो हैं वो सही हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन वो सही हो जाता है। अगला देखते हैं, अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बरनी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा है? तो ये जो कहा है बलवन के बारे में, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा था? तो ये जो चित्तौड़ है इसी के नाम पर उसने खिजराबाद रखा था। अगला है, 14वीं सदी के संत कावित्री लल्ला डेड की रचनाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो वाक है वाक के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जियाउद्दीन बरनी उल्लेख करता है शराब पर प्रतिबंध के बावजूद नशेड़ी व्यभिचारी अय्याश लोग अपने घरों के भीतर भट्टियाँ बनाकर शराब तैयार करते थे और पीते थे, गुप्त रूप से उसे ऊंचे दामों पर बेचते थे। उपयुक्त कथन में से जियाउद्दीन बरनी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान का जिक्र किया है जिसने अपने राज्य में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब अगला है, कश्मीर के निम्नलिखित चक शासकों को सही काल क्रम की में व्यवस्थित कीजिए। तो ये वाला जो प्रश्न है इसका आंसर मतलब बहुत ही वैसा है, सही नहीं है, तो आप लोग इसको देख लीजिए और सही कर लीजिए इस वाले प्रश्न को, क्योंकि ये मैंने बहुत ढूंढा, ये वाला जो है बुक में भी दे रखा, तो आप इसको ढूंढ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह उनका रिवाज है कि जिस व्यक्ति को यह पान की थाली दी जाती थी वो अपने हाथ में थाली लेकर उसे अपने कंधे पर रखता था और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से धरती को छूकर अभिनंदन कोर्निश करता था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा अपने अमीरों तथा विदेशी मेहमानों के लिए दावतों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त विवरण लिखा है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त विवरण में से अब्दुल रज्जाक का। अगला देखते हैं, किसने अपनी रचना मदनुश शिफा सिकंदर शाही को समझने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया है? अब ये तर्क जो है वो ये है कि पहली बात तो यह है कि यूनानी दवाएं भारत की जलवायु के अनुरूप नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि उस प्रणाली में उल्लेखित औषधीय पौधों की भारत में पहचान करना अथवा उन्हें प्राप्त करना संभव नहीं था। अगला है, तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें मियां भूवाय जो है वो ये कथन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजियों के मार्गदर्शक दर्शन के लिए प्रमाणिक कृति हनफी फिक्ह से महत्वपूर्ण उद्धरणों को निकालकर उन्हें संकलित करने का जो काम औरंगजेब ने कराया था उस ग्रंथ का क्या नाम है? तो उस ग्रंथ का जो नाम है वो है फतवा अल आलमगीरी। अगला है, अबुल फजल ने किसी दादा लहू एक सरल व्यक्ति बताया है क्योंकि उसने उस मूर्ति के खो जाने पर शोक मनाया जिसकी वो पूजा करता था और अबुल फजल ने उसे रिवाजों का अंधभक्त भी कहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है टोडरमल। अगला, फिर से सूचियाँ दी गई हैं और उनके कार्य बताना है। तो बल्लाल सेन जो हैं वो भोज प्रबंध बल्लाल सेन भोज प्रबंध दे रखा है। तो स्टूडेंट इसका भी आंसर जो है वो नहीं दे रखा है, तो आप इसको देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन को कि कौन सा सही होगा। अगला पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हुंडी का प्रकार रूप नहीं है? तो हुंडी का प्रकार रूप नहीं है तो जप्ती हुंडी और फसलाना हुंडी जो है वो यहाँ पर इसके प्रकार नहीं है हुंडी के।
तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरा ऑप्शन है बी ए और पांच चौथा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न ऐतिहासिक भवनों को उनके निर्माण के समय के अनुसार दर्शाइए। तो यहाँ पर अनुसार अनुसार दर्शाइए, इसका सही कूट करना है, मतलब क्रम बताना है किस समय कि सबसे पहले कौन सा आएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आएगा वो है अटाला मंदिर जौनपुर, फिर उसके बाद आएगा शेरशाह का मकबरा, शेरशाह के बाद हुमायूं का मकबरा, उसके बाद अटाला वो राबिया दौरानी का मकबरा औरंगजेब का। तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है, मुगल शाही घराने की निम्नलिखित में से किस महिला ने गायों की चराई के लिए अपनी जागीर से जमीन दी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमीदा बानो बेगम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है, सूबे के प्रादेशिक प्रभाग सरकार में कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी को फौजदार कहा जाता था, अधिकारियों में से एक को सरकार का प्रधान कहा जाता था। तो ये वाला जो है वो ऑप्शन सही नहीं है, बाकी जो हैं बाकी सारे सही हैं। फौजदार का कर्तव्य था अपनी सरकार में कानून और व्यवस्था बनाए रखना होता था। अगला है, औरंगजेब ने अपनी बातचीत के दौरान मिर्जा मुकर्रम सफवी ने उससे संगीत के बारे में अपने विचार प्रकट करने को कहा। संगीत के बारे में औरंगजेब के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर औरंगजेब के बारे में बताना है और कूट बताना है कौन सा सही है। संगीत मुबाह है ना, वह अच्छा है ना बुरा। दूसरा, मैं गायन और बात संगीत पसंद करता हूँ, मैं बिना बांसुरी रखकर पखावज के संगीत नहीं सुन सकता, बांसुरी एकदम से प्रतिबंधित है, इसलिए मैंने संगीत छोड़ दिया है। तो इस हिसाब से जो है डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला देखते हैं, शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाइए। तो ऐतिहासिक क्रम में दर्शाना है, तो इस हिसाब से सबसे पहले आएगा आगरे के किले में दीवान ए आम बनवाना, सबसे पहले ये आएगा। फिर दूसरे नंबर पे है ताजमहल आगरा में बनवाया गया था, फिर उसके बाद आएगा आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाना, फिर आएगा जामा मस्जिद शाहजहानाबाद की। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, 1843 के इंडिया एक्ट 5, यहाँ पर याद रखना है 5, द्वारा भारत की किस प्रथा को अवैध गैर कानूनी घोषित की गई थी। तो जो दास्ता है वो घोषित की गई थी, तो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं ए और आर, उसका देखना है। ए दिया है, भारत के अभिजात वर्गीय एवं राज परिवारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत में चीफ्स कॉलेज की स्थापना की गई थी, मूल निवासी अपनी भाषाओं में नहीं बल्कि अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक थे। तो इस हिसाब से हमारा जो ए सही है वो सही हो जाएगा और आर जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर बताया कि मूल निवासी यहाँ की जो भारत के रहने वाले हैं अपनी भाषा में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी शिक्षा में प्राप्त, शुरुआत में तो वो अंग्रेजी शिक्षा के एकदम विरोधी थे क्योंकि इनकी उनकी जो भाषा थी वो उसको ही उसी में शिक्षा प्राप्त करना चाहते। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो, ए सही है और आर गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने इस मत का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात ब्रिटिश ताज के सामंत थे। तो यहाँ पर जो सर विलियम ली वार्नर है वो सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 38 ऑप्शन हैं, इसमें सबसे पहले आएगा डी ऑप्शन कैंपवेल, फिर आएगा स्ट्रेची, फिर उसके बाद आएगा
सी लायल, और जो मैकडोनल्ड है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो इस हिसाब से डी बी सी ए ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो 1881 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा घोषित उद्देश्य अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का नहीं था? तो सबसे जो पहला ऑप्शन है, स्थापना मुस्लिम लीग का जो था, स्थापना का नहीं था, भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा को प्रचारित करना, ये वाला जो ऑप्शन है वो नहीं था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? तो खिलाफत समिति के सदस्य जो थे उसमें से शौकत अली ये भी थे, हकीम अजमल खान ये भी थे, हसरत मोहानी, मुस्तफ़ा नसरुद्दीन, ये जो हैं डी वाले ये नहीं थे, बाकी ये तीन थे। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, नेता है और संगठन है एमजी राजा जो हैं वो ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन के इनका संगठन था। अगला है, जगजीवन राम ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग, बी आर अंबेडकर ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस, ये था महात्मा गांधी जो है ऑल इंडिया हरिजन संघ। तो यहाँ पर ये डिप्रेस क्लास जो है यही कंफ्यूज करता है, क्योंकि डिप्रेस क्लास ज़्यादातर हम मानते हैं भीमराव अंबेडकर का है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए कितनी सारी पुस्तकों का नाम दे रखे हैं, और यही हमारे हमें बार बार एग्जाम में कंफ्यूज करती हैं। तो हमें इन सब का नाम याद करके रखना है, कौन किसका कौन सा संगठन था। अगला है, इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर बताया है? तो हाँ, गुलामी का नया चार्टर उन्होंने 1935 को बताया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1932 में एटोवा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है? तो ये भी जो है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू का ही कथन है। निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? तो जो लिबरल पार्टी का जो सदस्य नहीं, इसमें पूछा है नहीं था, तो नहीं में यहाँ पर जो सी ऑप्शन है एस एम पारंजपे जो है वो लिबरल पार्टी के सदस्य नहीं थे, बाकी ये जो थे बाकी सभी थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्र राज्य होने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? तो ये वाला हिस्टोग्राफी में पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। और एक राष्ट्र अथवा करीबी संबंधित राष्ट्रों के लिए एक सरकार का राज्य के रूप में गठित होना, तो ये अनिवार्य शर्त है। एक राज्य जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय सीमाओं से निर्धारित होता है, ये भी है। एक राज्य जिसका कानून राष्ट्रीय रीति रिवाज पर आकांक्षा से निर्धारित होता है, ये भी है। एक राष्ट्र राज्य की अभिव्यक्ति होता है, तो ये जो है ये वाला है डी ऑप्शन, ये अनिवार्य शर्त जो है वो नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से पुरुष एवं स्त्रियों को पूर्ण समानता की गारंटी देता है? तो 14 और 15 ही जो है वो स्त्री और पुरुष को पूर्णतया समानता की गारंटी देता है, 14 और 15। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक में एक महान नव प्रवर्तक था? पूरी तरह से और सहज रूप से धर्मनिरपेक्ष होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझा रहा था, जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता उतना ही बड़ा शत्रु है जितना उपनिवेशवाद। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है भगत सिंह। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? तो शशिपाद बनर्जी जो थे वो पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे। अगला है, किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा और प्रत्यक्षवादी दर्शन की स्थापना की है? तो अगस्त कॉम्पटे यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से
हमारे जो 50 क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।